मॉर्निंग गाइस, आप सभी कैसे हैं? आप तो मुझे जानते होंगे, मेरी बुआ बहुत परेशान है, इसीलिए आप सब उनको देखना चाहते हैं, दिखाता हूँ। ये देखिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं क्या बोला तुमने? चश्मा लगाया है आपको, और क्या बोलूँगी। तो देखिए, आज थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मुझे चश्मा लग गया है। मेरी आँखों में दर्द था तो डॉक्टर ने बोला कि चश्मा लगेगा, तो आज मुझे चश्मा मिला है। डॉक्टर ने बोला है लगाए रखना, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगाने में। अजीब सा लग रहा है, चलने में परेशानी हो रही है, तो मैं लगाए खड़ी हूँ बहुत। मेरा मन भी दुखी है कि मैं कैसे चलूँगी रास्ते में, लगता है गिर जाऊँगी अगर चश्मा लगा के चलूँगी तो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक किया ना चश्मा लगवा के, क्योंकि आँख में दर्द हो रहा था मेरे। और रीता क्या कर रही हो? हम लोग मम्मी को दिखा के अभी आ रहे हैं। हाँ, तो मम्मी को हॉस्पिटल गए थे ना आज, मम्मी का टाका कटना था तो फिर हॉस्पिटल गए थे। दिखा के अभी आ ही रहे हम लोग, तो खाना बनाई नहीं थी, अभी बना रही हैं। सुबह ही चले गए थे 8 बजे। तो क्या भिंडी बना रही हो? भिंडी की सब दाल चावल। चलो जल्दी बना लो, नाश्ता हम लोग का हो गया है और अब भोजन बन रहा है। ये रक्षित है ना, मोबाइल तो बहुत ज़्यादा पकड़ता है लेकिन बोलने में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होती है। ये देखो, 24 घंटा सोता है बस, बाकी मोबाइल लिए ऐसे ही लगा रहता है मोबाइल में। रील बना रहा, देखो जो क्लास चल रही है वो कर जाके पढ़ाई करो बैठ के। कैसा लग रहा मेरा चश्मा? तो चलते हैं मम्मी पापा के पास, देखते हैं क्या कर रहे हैं नीचे। हम लोग ऊपर हैं, भाई भी ड्यूटी गया है। आज अभी दीदी आने वाली हैं, मेरी दीदी बड़ी वाली, तो रौनक भी आ रहा है, अभी हम मिलाते हैं उनसे। अभी चले हैं, अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, अभी 1 घंटे बाद पहुँच जाएंगे। आराम हो रहा मम्मी का। गुड मॉर्निंग बोलो। तबीयत सही नहीं है ना मम्मी? की पट्टी हुई ना आज, तो थोड़ा दर्द हो रहा है, बाद मिलते हैं। तो आप लोग देखिए, माय दीदी और ये आ गया है बुखार। ये रसगुल्ला खा के पानी दिखा रहा है, देख देख ये लोग आ गए हैं। ये देखिए दीदी, गुड मॉर्निंग बोलो दीदी। गुड मॉर्निंग। रसगुल्ला खा रही हैं, बता नहीं पा रही हैं कि अच्छे से भी बोल नहीं पा रही हैं गुड मॉर्निंग। क्या करें, सभी अभी पहुँच ही रही हैं, रास्ते में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि बहुत भीड़ थी, जिस बस से आई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये लोग बहुत परेशान हो गए हैं, तो पानी पिलाए जा रहे हैं ये लोग। अभी चाय भी बनेगी, गला सूख गया है। हम सोचें जल्दी जल्दी नाश्ता तो चाय बनाइए रीता जी। हाँ जल्दी चाय नाश्ता बनाइए, हम चल रहे हैं। क्या? नहीं अब हम जा रहे हैं नीचे, 2 घंटे से ऊपर ही हो। जल्दी बनाइए, यहाँ हेल्प नहीं करना चाहिए, आप सब तो ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छे हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोग बताया था कि मेरी दीदी आई हुई है और हम लोग घूमने जा रहे हैं, थोड़ा सा बस शॉपिंग करने से जा रहे हैं मॉल में। तो देखिए ये तैयार हो गई हैं दीदी भी, और ये रीता जी भी तैयार हो गई हैं। तो देखिए आज भैया बड़ी बड़ी बिंदी लगाई हुई हैं ये। तो चलते हैं हम, आओ चलो चल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ
काली साड़ी कैसे लग रही मेरे ऊपर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लाल काली साड़ी, साड़ी पहन के जा रही हूँ। देखिए हम मॉल में आ गए हैं सब। देखिए हम लोग के लिए नाश्ता आ गया है। क्या आया है? बर्गर। यहाँ का बर्गर बहुत अच्छा लगता है सर। हम जब भी आते हैं लखनऊ तो यहाँ यहाँ जरूर आते हैं। रस्सी तो जुट गया और दीदी भी खाने लगी। अभी हम नहीं खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है में पूरा नहीं पड़ता है, पूरा बोतल पीता है। हम लोग देसी में ले लेकर पी रहे हैं क्योंकि आप लोग पता ही मेरी सर्दी हो जाती है बहुत जल्दी। हाँ हो जाता अच्छी वजह होने से मोबाइल देख भी रहा है और पी भी रहा है। वन वन इलेवन मुझे पता है अभी कोई क्लेम नहीं आएगा। 78 78 क्योंकि अभी बहुत से नंबर बाकी हैं। 86 86 अरे बहुत बहुत पढ़ रहे हैं। अजी 60 60 देखिए रचित और हम घूम रहे हैं और ये लोग बातें कर रहे हैं। थैंक यू गैप हो गई होगी अंदर कैसा लगा? इस बारे में से चेक करने आए आप लोग कमेंट में बताइएगा। 53 नंबर है अब देखिए फ्रेंड्स हम मॉल से बाहर निकल चुके हैं और जा रहे हैं घर। घर पे अभी रीता जी को खाना भी बनाना है। बर्गर खाने से पेट भर गया। वही तो नाश्ता हो गया है अभी खाना बाकी। मम्मी पापा घर पे हैं और भाई भी घर पे हैं। हम लोग घूम के आए हाँ तो यहाँ घूमने आए हम लोग। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं अपने रास्ते जा रहे हैं अपने घर को। अभी जा के भैया खाना वाना बनेगा, रौनक मम्मी जुटेंगे और हम भी थोड़ा बहुत हेल्प कराएंगे। हाँ बस फटाफट खाना बनेंगे बनाएंगी और हाँ चलते हैं। बाय।